देखो मन की बात तो मोदी जी करते हैं, तो मन की बात में तो गोलमाल है, गपुची गपुची गम गम है। उन्हें वो बात तो छोड़ देनी चाहिए देश से करने की, वो आत्मा की बात करें, क्योंकि उनके मन में बसते हैं अंडाधानी अंबानी। वो मन की बात तो करनी बंद करें, देश में पत्ता खुल गया, उनकी ढोंगला खुल गई है कि उनके मन में अंडाधानी और अंबानी रहते हैं। मोदी जी इस देश की जनता से आत्मा की बात करें, आत्मा की बात सुनेंगे, मन की बात ही सुनते हैं, क्योंकि मन की बात में तो किसान है ही नहीं, जनता है ही नहीं। अच्छा जी, ठीक है। ये बताइए, जिस तरीके से राजनाथ सिंह लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि भैया एमएसपी नहीं हटेगी, ठीक है, लेकिन किसान है कि किसान भी अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या सरकार तो अपनी ही बात मनवाने पे अड़ी हुई है? देखो राजनाथ जी किसान है, अच्छे आदमी है, वो बेचारे फंसे पड़े हैं कि एक बार दोबारा सरकार आई तो अमित शाह ने कुर्सी छीन ली, अब तीसरा कोई गुजराती आएगा तो वो भी रक्षा मंत्रालय में गया, अब बुढ़ापे में कुर्सी बचावा किसान की सुने, जानते हुए सब है कि किसान बगैर नाथ फोड़न का मानने का ना, और बोले तेरा नंबर नूनी आवे तू कुछ बोल नहीं रहा, वो नू चुप है, तू अपना दूर नहीं रहे से राड से। देखिए चाय वाले की और उसकी राड हुई है दूध वाले की। अच्छा, दूध ना दे चाय कहाँ से बनेगी, ताला लग जाएगा दुकान पर। काली चाय बना ली तू? काली चाय कौन पी रहा, दूध की हरामियों को काली पी रहे, काली भी किसान ही पी सके। समझा है नहीं कानून, वैसे आंदोलन करना चल रही है। प्रधानमंत्री जी नहीं समझा कानून, कानून बना अंडादानी करा अम्बानी के घर, उन्हें समझा उन्हें कानून पढ़ा, उन्हें रात को शराब के पी गए तो साइन मार दिए हैंग ओवर में, उन्हें पढ़ा उसके अंदर अंडादानी लिख रहा अम्बानी लिख रहा। शराब तो पीते नहीं इतने सज्जन, तो प्रधानमंत्री मिले इसको। यार हमें हमरे घर उनके घर रहे, हमें क्या पता सारी दुनिया पी रही है। आपको कैसा पता था? सारी दुनिया पी रही है, मैं वो भी पी रहे होंगे, ऐसे उल्टे सुल्टे काम आदमी बगैर नशे कर रहा। अरे होश में थोड़ी कर देगा ऐसे, इतना खराब काम, इतना खराब काम करा फाइल अंडादानी अम्बानी की लिख रहा ऊपर किसान, खोल के देखी ना साइन मार दिए, और अब नुके बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे उससे हम बात प्रधानमंत्री ने मारे, सांसदों ने मारे, सांसद नहीं भैया, सांसद नहीं है इस देश में, सांसद नहीं है इस बार, स्टूडेंट है। जैसे टीचर के सामने खड़े हो जा, अमित यस सर हाजिर हूँ, अब तो वो बजा मेज, बजा मेज बजा दी टिकट पक्का। इस देश में पहली ऐसी सरकार है जो दुशासन दुर्योधन के हाथ में बागडोर है, रंगा बिल्ला इस देश को चला रहे हैं। टीचर वो दोनों रंगा बिल्ला, टीचर वे दोनों रंगा बिल्ला, अगली बार को टिकट का काट देंगे भाई बहन देंगे, बड़ा झूठ। परसों की मन की बात का, परसों की मन की बात का बड़ा झूठ देखिए, परंतु दो दिन पहले थी। अच्छा, उसमें एक तो अच्छी इनको सद्बुद्धि के दिमाग में किसान घुस गया, किसान का कीड़ा, क्योंकि पहली बार 7 साल में मोदी जी के पीछे किसान का खेत लग रहा डुप्लीकेट पोस्टर, उसमें कह रहे मोदी जी भाइयों बहनों, वो हरियाणा बंगाल के चक्कर में लूटने को चक्कर में फिर रहे हैं, भाइयों बहनों 70 लाख के भाई बहनों को किसानों को बंगाल में मेरी निधि का फायदा नहीं मिला, क्यों वहाँ आर्मी लग रही है बैंक के खाते पे, अरे दिल्ली से डाल देता, अब उन्हें गुमराह कर रहा है, ममता ने रोक रखा, अरे ममता ने रोक रखा, डाल दे 5,000 डाल दे 20,000 डाल दे, डालने पर कोई पाबंदी नहीं है, परंतु ममता का नाम लेगा वहाँ डुगमगुई बजाने लग रहा। अरे मोदी मैं ही खड़ा हूँ, मैं किसान हूँ, फर्द भी ला रहा हूँ, डीएम को कह दे और झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे जेल भेजा, आज ही तैयार हूँ, 1 रुपया मेरे खाते में नहीं आया, पर वो किसान हूँ जो इनकी कंडीशन में भी आता है शर्तें लागू। तो जमीन तो अंबानी के नाम भी है तो वो भी किसान हो गए? नहीं, मैं शर्तें लागू वाला किसान हूँ छोटा, 1 रुपया नहीं मिला मेरे पूरे परिवार में, पूरा परिवार किसान है, 1 रुपया नहीं मिला। ये पता ना कंप्यूटर पे इनका घर है, कंप्यूटर पे इनकी दुकान है, कंप्यूटर पे ही सब कुछ करे हैं, क्योंकि इंजीनियर तो वहाँ बैठे हैं बोस के घर बम्बई में, ये देश दिल्ली से चलने को दिया था, बम्बई ले गया हेड ऑफिस को। ये क्या मैं विपक्ष वाले नागपुर से चल रहा, आप बॉम्बे पहुँच गए? नहीं, बॉम्बे 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 से चल रहा है, अंडानी अंबानी तो वहाँ रहे। ये बताइए सूट बूट पहने हुए हैं आप, वो तो कह रहे हैं सूट बूट पहने हुए लोग किसान ही नहीं है। देखिए इनका दर्दी पेट में जो है, दर्दी पेट में इसलिए हुआ कि तो किसान भी 2-4 अरब भी जान गया, साफ सुथरे कपड़े पहन रहा, अगर एमएसपी दे दी, इसको सही भाव दे दिया, फिर राज किस पे करेंगे, रोज सवाल करेंगे, यही तो इनका दर्द है, इनके पेट में बंदरों की ओर है क्या दर्द? अरे 200 रुपए की जींस आजाद, 250 रुपए की, 100 रुपए की आजाद शर्ट, इन्हें 350 में भी टूटता है। अब इनका कोई भाजपा का नेता कह रहा है किसान तो होटल में सो रहा, क्यों होटल के बाबा का रजिस्टर्ड है, वहाँ ये लिखा हुआ कि यहाँ केवल मंत्री रुकेंगे, आम जनता के लिए आवर्जित है। अरे क्या वो कानून बना दो इस पे भी, कि इस पे भाजपा के मंत्री स्मिता रानी, वो समित पात्रा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये रुकेंगे, बाकी वो कैंसिल है। अरे शर्म कर लो, पूरा देश देख रहा तुम्हें, जब झूठ का पुलिंदा खुल गया इसमें शर्म काहे की, गलती मान लो, पहली सरकार चोरी करती थी, पहली बार खुला झूठ, पहली आपका बड़ा बड़ा झूठ है भाई, इकट्ठे होते रहे ना, चोर चोरा कर 20 साइकिल था ही मान लिया, 21 में पकड़ा गया, 20 की 20 हांगनी पड़ेंगी, दरोगा जी गैल भूज लेगा, हाँ बता 20 कहाँ का बेची। इनकी स्थिति ये है कि अगर
मान लिया गलती होगी, पहली सरकारें चोरी करती थी, पगड़ी से जाती थी और लोग आंदोलन करते अपनी फाइल को उठा दे, गलती होगी उल्टी दे दो। ये सीना चोरी भी कर रहे हैं कि चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे, पर अब क्या गलत से पाला पड़ गया। कुमार जी सरकार मजबूत स्थिति में है, वो कह रही पीछे नहीं हटने, अंग्रेजों से मजबूत है, अंग्रेजों से भी ये अंग्रेजों से मजबूत है, वे उखाड़ के फेंक दिए, इन्हें तो थोड़े दिन लगेंगे इस मिट्टी ने भगत सिंह पैदा करने, बंद ना करे। गांधी जी निकला है तो भगत सिंह भी आएगा, दोनों टाइप के लोग हैं, भागना पड़ेगा, सुरंग बना लो सुरंग। उसने कहा था विदुर ने कहा था महाभारत में युधिष्ठिर को कि जो अब जंगल में आग लगते सबसे पहले चूहे भागते हैं, तो चूहा दे देता उसे। मैं भी हिंट दे रहा हूँ, सुरंग बना लो, अमरीका लिखनी चाहिए, बाकी देश इन्हें पना नहीं देगा, भागना पड़ेगा इन्हें, भागना। जब जनता दिल्ली पग उठ के पड़ेगी कहाँ जाएंगे, कहा जाता जहाज पर ना उड़न दे। अरे जहाज पर एयरपोर्ट पर खड़े होंगे लट्ठ लेके, झाड़ा झोला चेक करेंगे, हम फकीर झोला लेकर निकल लेंगे, हम तलाशी लेंगे कितने में बेचा, कहाँ बेचा, छीन के, क्यों हमारा झोला इसके बाबा का। अरे चाय वाले पे क्या क्या हो सकता है, चाय वाले पे 50 लाख का सूट कहाँ से आया, चाय वाले पे 1800 करोड़ का जहाज कहाँ से आया, ये किसान का हिसाब मांग रहा है। सरकार का है ना, देश का है, किसका, अपने घर लेकर थोड़ा जाएंगे वो, तो जो प्रधानमंत्री आएगा उसका, क्यों सरकार तो इन्हीं की रहती गई है 50 साल। अंबानी ने बाड़क बनाने की फैक्ट्री लगा दी, वही वोट डाल देगी, इन्हें शर्म नहीं आ रही, इन्हें शर्म नहीं आती। अरे यही जनता देगी वोट, यही जनता अंबानी खेती करेगा तो फिर भी वोट दे दोगे ना अब, क्यों हमें, हम क्यों देंगे इसको वोट, अरे हम तो 24 से रुकेंगे, तार के कुर्सी पे नीचे घेर के नया बैठा के साइन करा के उल्टा लुआ के जब जाएंगे। 18 में आए हैं, 19 में फिर दे, वो तो फौजियों के चक्कर में दे दिया हमने, फौजी मर गए, हमने सोची सच्चा हमला दिख है। अरे मोदी जी वो कहा, उन्हें पकड़ के ला, उन्हें पकड़ के ला, या तो फांसी दे सूत्रों को, कौन है वे, तो फिर बेकालंग मोदी जी तो ना ना, आप झूठ खुल गया, झूठ मंदारी है, सुनो मंदारी है, परंतु पता नहीं था ना, नेता समझ रहे थे, हम लाए थे नेता, निकला मदारी, हमें जांच पड़ गई। अब क्यों होगा, अब तो देश की जनता खड़ी है दिल्ली के गेट पर, कुंदी बजा रहे, खोलता नहीं, 33 दिन हो गए, भीतर क्यों है, गेट के भीतर क्या सो रहा, आजा बाहर बात कर, किसान को पता नहीं था, जब मेरी मर्जी होगी तब खोलूंगा, तुम कितनी कुंदी बजा रहे इस चाबी, अरे नहीं जब वे बड़े वाले कहेंगे ना, मान लिए बड़े वालों के जब ये टावर टूटेंगे, शोरूम फटेंगे, बड़े वालों का जो बहिष्कार होगा कामों का, जब आर्थिक चांटा व्यापारी को लगता है, आर्थिक चांटा पैसे का, तो सबसे बड़ा बोखला आप जाता होगा, बोस का उनके का, ये तो चौकीदारी तो है, वे बोस गैल बुलाएंगे इसको, आए यहाँ बॉम्बे जल्दी फ्लाइट से, और ये फाइल चौकीदार को चुना है, चौकीदार को चुना है, इसलिए चुना चौकीदार को, अपना समझ रहे थे हम, लिगड़ा पड़ोसी का, अभी भी तो अपने ना, खुल गई बात, आप लोग कह रहे ना कि राजनीति करने के लिए कुछ लोग आ गए, किसानों का भला नहीं होने देंगे, देखो ये इनकी गोलियां हैं, जो स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं, हां आधुनिक स्मार्ट, और कौन ये गधे, अरे इन्हें खुद ही पता नहीं, ये नुकरे हम वो ला रहे हम, वो डिजिटल इंडिया लिख रहे चिट्ठी, पूरा देश देख रहा, यहां से तक चिट्ठी भेज रहे, अरे फोन कर दे, डिजिटल कहां रह गया, इंडिया तो ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया उन्होंने, चिट्ठी भेज रहे, चिट्ठी आई है, अब डिजिटल नहीं हुए ना, सामने वाला पक्ष डिजिटल नहीं है, क्यों पे फोन ना है, योरा फोन स्मार्टफोन सब सबके फोन में मिलेगा, फोन कर दे, ये लिख रहे हैं चिट्ठी किस लिए, कि देश आप लोग तो एकजुट भी नहीं है, बात किससे करें, 40 संगठन अलग अलग हैं, अलग ये है प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बता रहे थे, ये भाजपा एकजुट है, इनका एक पिल्ला कुछ भोगता है, एक पिल्ला कुछ भोगता है, ये क्या एकजुट है, एक पिल्ला इनका किसान को भड़वा बोल रहा था, एक पिल्ला कुछ बोलता है, एक इनका वो भांड समित पात्रा वो कहता किसान ये ऐसे होती है, तू बता गाय को दूध कहाँ से दे, अगर उसे जानकारी हो तो, आलू बू है कहाँ, इन्हें कुछ नहीं पता, ये सब कागजों वाले गलत फहमी हो जाती है, सुनो यार कोई बात नहीं, कौन सी चाबी है वहाँ हमें बताओ तब, हाँ हाँ भारतीय किसान